तो ना वो आज फिर मॉर्निंग वॉक रहने देते हैं, ठीक है? मैं गोलू बोलू चिंटू मिंटू ये सब घुमाते, तुम यही पापा के साथ में रहो, ठीक है? ओके बच्चा, गुड मॉर्निंग गाइज, गाइज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज, निकल लियो, गुड मॉर्निंग है। बड़ी यार इसके तो बड़ी निवास करके रहती है यार, तेरा सही है, हैं? छो जा गाइज, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। नहीं, रोने की तो कोई बात नहीं है इसमें, नहीं कोई बात ही नहीं है, रोने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आई, ये स्ट्रेचिंग। तो गाइज हम तो घूमने आए थे, अब यहाँ पे ये वाला ग्रुप है ना, ये लड़ता है, ये दोस्ती नहीं करता, अब क्या करें हम? और मेरी जो पलटन है, मेरा जो गैंग है, वो देख लो कहाँ पे है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को, मेरी पलटन देख रहे हो? अब आइए, अभी क्या हुआ, हम लोग जहाँ पे घूमने आए ना, तो यहाँ पे 3-4 डॉग थे और वो लड़ाई करते हैं, दोस्ती नहीं करते, तो मेरी पलटन ही नहीं है। अब मैं हेल्प किससे मांगूँ भाई, जिसके भरोसे मैं आती हूँ, और ये लोग ऐसे आते हैं कि हाँ हम चल रहे हैं आपके साथ, वो गायब है। तो फिर मैंने और नवाब ने अकेले ही मैनेज किया। ये देखो, मॉर्निंग वॉक करने के आने के बाद में ना, ये लड़के की रूटीन है कि घर में आते ही सबसे पहले ये जाएगा कालू और के खरगोश देखने। गया वो, तो मैं आ गई हूँ काली के पास में। अरे आज तो काली मिल गई। आओ काली, पहले अपने बच्चे दिखाओ, कहाँ पे हैं, अपने घर में हैं या अपने दूसरी जगह शिफ्ट कर रखे हैं, बताओ मुझे। कहाँ है पपीश? पपीश कहाँ है? रुको 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 रुको, पपीश, तो पपीज ना अपने घर में नहीं है, काली यहाँ बैठ रही है, वहीं पे है पपीज, तो क्यों ना इसका बेड शिफ्ट कर दूँ मैं यहीं पे, है ना? अरे पागल हो क्या, मुझे भोंकोगे? तो मैं जो पुराली और पुराली वाला बेड ना यहीं पे लगा देती हूँ, क्योंकि ना तो यहाँ पे हवा आती है, ये देखो ये ना पौड़ियों के नीचे है, तो यहाँ पे हवा लगने का तो सवाल ही नहीं है, तो ये ला रही हूँ आपका बेड यहीं पे शिफ्ट करती हूँ। तो काली दीदी को नहीं बैठना है कूलर में, काली दीदी को बैठना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले मैं पुराली लगाऊंगी, फिर उसके बाद गद्दा लगाऊंगी। हाँ जी हीरो, ओए होए। तो भाई काली ने अपना बेडरूम खुद अपने लिए चूज किया, ये वाला, तो मैंने इसका जो बेड वगैरह सब यहाँ पे लगा दी, अभी यहाँ पे रहेगी, इसको नहीं रहना कूलर में, ठीक है, इट्स ओके, है ना? मन है अपना, सबका अपना अपना मन है ना काली, बाय। और ये हमारी मिंटो पहरीदार, देखो कैसे सो रही है धूप में, हाँ मुझ लाने की तो नीड ही नहीं थी। और काली ने कुछ ऐसा बेडरूम चूज़ किया अपने लिए यहाँ पे, ये पौड़ियों के नीचे है, तो अच्छा है, यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं है 1% भी, और ये भी खुश, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। ये मिंटो, ये मिंटो, तो ये ना बाउंड्री बन रही है वहाँ के लिए, बच्चों के लिए, कि जैसे वो बाहर ना निकल जाए पार्क से, उधर काम चल रहा है पूरे में। ये फ्रेमिंग के चारों तरफ घूम के ना, बट कंसर्न ये है सुंदर लगना चाहिए बाहर। सबको दिखाऊं ये जो विस्की अपना मुंह चला रही है, किसलिए चला रही है विस्की? मैंने सबको दिखा दिया, मक्खी पकड़ रही है, तो मक्खी खाती है हमारी विस्की। और इधर आशीष बैठ के सिल रहा है, मैं भर रही हूँ, फिर हम थक जाते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर हम शुरू हो जाते हैं, हमारा ऐसे ही चल रहा है पिछले कई दिन से। ये पकड़ा 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 पकड़ा, मक्खी पकड़ी, मक्खी चोर है ना। तो हमारे नवाब साहब अब चार्जर से चार्ज होंगे, है ना? लगाओ चार्जिंग, कहाँ लगानी है इसको चार्जिंग? यहाँ पे मुंह पे लगा दो, इसके मुंह पे लगा दो, इसमें घुसा दो, नो गंदी बात, चार्ज हो जाओ। दीदी वहाँ पे झाड़ू लगा रही है, और ये बाहर पार्क में बैठा हुआ था, हाँ तेरी बात कर रही हूँ, पार्क में बैठा हुआ था, लेकिन जान बूझ के यहाँ आके बैठा है देखने के लिए कि दीदी अच्छे से लगा रही है कि नहीं। तो अब मैं आ गई वो दूसरी फीमेल के पास, अब मुझे पता नहीं वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक बार ट्राई कर लेती हूँ, डर भी बड़ा लगता है मुझे तो। काली है नहीं यहाँ पे,
तो काली तो मिली नहीं अपने ठिकाने पे, वापस जा रही हूँ उसको एक दो जगह और देख लेती हूँ जहाँ पे वो होती है। कई बार मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जब घर पे आती है ना तब उसको दूंगी। और आज ना मैं नहाई नहीं, मैंने ये समझदारी का काम किया। बताऊँ क्यों? क्योंकि हम लोग ना जूट बोरे वाले बेड बना रहे हैं ना, तो उसमें पुराली में और जो उसकी बोरी है ना उसमें हम नहाए बेनहाए एक जैसे ही हो जाते हैं। तो मैंने कहा आज पहले वो काम कंप्लीट करके उसके बाद नहाऊंगी। और उसमें ना इरिटेशन भी होती है, इचिंग भी होती है स्किन में पुराली लग लग के। इसके बीच में स्कूटी खराब हो गई, स्कूटी से ही कराने बैठा हूँ क्योंकि बिना स्कूटी के तो आजकल काम ही नहीं चल रहा। पूरी टीम भी कभी कुछ लेने जा रही है, कभी कुछ लेने जा रही है, कभी कहीं सामान जा रहा है, कभी कहीं सामान जा रहा है। और एकदम धोखा दे दिया, स्टार्ट होनी बंद हो गई थी तो फिर अभी सही। मैं जा रही हूँ अभी नवाब की दुनिया में, मुझे एकदम से कुछ काम ध्यान आया और वो स्कूटी से जाना है मुझे, तो स्कूटी पिक करने जा रही हूँ। और थोड़ा सा चक्कर भी लग जाएगा, गेड़ा भी लग जाएगा, देखती हूँ कि कितना काम हो गया है। जाके थोड़ा सा त्यागी जी को डंडा कर दूँगी कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो स्वागत है आपका नवाब की दुनिया में। पेंटिंग बाहर की तो कंप्लीट हो गई है, अंदर की देखती हूँ कितना चल रहा है। यहाँ पर ये अंदर वाली पेंटिंग्स भी बननी स्टार्ट हो गई। यहाँ बैंक में पहुँच तो गई, एक्चुअली मुझे बैंक करना था, कुछ काम था। और यहाँ पे भी कुछ 10 मिनट का होल्ट है, तो जो गार्ड अंकल ने बोला कि 10 मिनट बाद एंट्री होगी, तो वेट कर रही हूँ बाहर खड़े होके। कोई आए आके पानी ना पिए, चाय ना पिए, इसकी खुजली करे बस। देखना इसको, देखना इसको, बदतमीज का। इसका नहीं होता जब तक आप बैठे रहोगे ना, इसका नहीं होता पूरा। अचानक थोड़ा सा नुकसान हो गया है ये भाई, अब यहाँ पे ऊपर से वायरिंग करेगा। हुआ क्या कि यहाँ पे ये पेंटर भाई काम कर रहे थे, लेकिन वायर ना आपस में चिपक गई, और चिपकने से क्या हुआ, हो गया ब्लास्ट। और ब्लास्ट फिर यहाँ पे पूरी वायर जली, अंदर जली, और इधर भी कुछ ऐसा सा सीन हो गया। तो सबूक इसमें कोई गलती नहीं है सबूक इसमें कोई गलती नहीं है, नहीं गलती किसी की नहीं है, बट हाँ बच गया। पता है क्या होता है, जैसे करंट हो है, गलती से हाथ लग जाता तो बंदा मर जाता, समझ रहा है? मतलब वो चीज़ थोड़ी ध्यान में रख के करनी पड़ती है। तो भाई किसी के साथ नजर है, होती है कि इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है। भाभी ने बोल दिया दो छुट्टियाँ मिले, दो छुट्टियाँ लेके हाँ ब्लैक कलर है ना, नजर लग गई। जो इतना मोटा नुकसान हुआ है आज, ये गलत हो गया थोड़ा सा, पता नहीं सब अच्छा चल रहा था लेकिन नज़र ऐसी लगी। और ये यहाँ पे मैं स्विमिंग पूल भी थोड़ा काम बढ़ गया था कि बन गया, बट हुआ क्या कि यहाँ पर ना एक वो था कि पूरा स्विमिंग पूल दोबारा बनेगा अब तोड़ के। और इधर काफ़ी ये आ गई हैं पेंटिंग्स वगैरह, ये बन रही हैं अभी ना। गाइज हमारे घर में ना जगह नहीं है, तो हमारा बच्चा इतू सी जगह में फंस के सोया है जिसमें ना गर्दन ढंग से आ रही है ना हाथ, हाथ सर ने आगे किया हुआ है। और ये देखो कहाँ फंसा हुआ है, देखो देखो देखो, ये स्टाइल चल गया पता, वीडियो बन रही है, व्लॉग बन रहा, चल गया पता, व्लॉग में आना तेरे को, अरे मम्मी जाओ ना, सारा व्लॉग तो मैं ही हूँ। तो अभी ना सुख भी आए हुए हैं फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि हम लोग वो शॉट लेंगे ना कि बिफोर एंड आफ्टर, तो उसके लिए भैया वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं। गोलू 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 भी इसके बराबर में बैठा होगा, नहीं वो था रैम्बो, रैम्बो था, रैम्बो था। हाँ। 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 मुझे मेरे पास भी है ना मेरे पास तुम भी करो अच्छे से करो, आपको तो आता होगा, आपको तो आता होगा अच्छे से करना, करे करो। उसे सोना भी मेरे साथ, यही बैठ जाएगा देखना, अभी यही बैठ जाएगा, आ जाओ अंदर आओ, दरविश की विचकू से मिलने दो ना बेटा, विचकू से भी मिलने दो, ये नहीं करेगा कुछ भी, इसके तो सामने भी रख दोगे तब भी नहीं करेगा कुछ। ये चीज तो ठीक है उसकी में, हाँ ऐसे फालतू नहीं खाते पीते, नहीं वो बैठ, अगर से कुछ चाहिए भी ना तो वो बैठ जाएगा पास में आके ना, कि अगर दोगे तो खाऊंगा। हाँ ऐसे बैठ के, ऐसे बैठ, गुड्डू बॉय, मेरी गुड्डू को रोज नए नए लोग आ रहे हैं खुजली करने, मजा आला ना वो मजा आला। और आप विनीता हो ना, ये बिना एड्रेस के आई है हमारे घर, इनके पास कोई एड्रेस नहीं है, कोई फोन नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, और ये पहुंच गई, और देखो पहुंच भी गई, एक्यूरेट घर के सामने पहुंच गई। लोगों के पास लोकेशन होती है, वो तब भी ढूंढ रहे होते हैं घर की, मैम हम यहाँ हैं हम वहाँ हैं, बिना लोकेशन के आप पहुंचे हो। सबसे पहले मैं जी कालू जी से मिली हर कोई यही बोलता है, उस दिन की मम्मी को देख लिया था ना, मैं सही जगह
जगह है, सही जगह है, सही जगह। उसके बाद गोलू भोलू, फिर रैम्बो मिल गया। गोलू बोल तो हमारे गेट पे ही है ना उनका मेन, क्योंकि उनका ये कोठी उनकी है ना। हाँ। गोलू बोलू की, उनकी परमिशन के बिना कोई नहीं जाएगा अंदर। नाबु की शक्ल देखो, नाबु की फेस देखो, फेस क्या। मैंने दो बाउंसर बिठा रखे हैं बाहर गोलू बोलू। तो उसके बाद में सीधा पहुंचा यहाँ पर। मालिक माल तो बन गया, कब लेके चलोगे? अभी लेके चले हैं सुबह। तुम तो कहते आज लग जाएगा? बन तो गया, वो पीस रह गए। हाँ तो तुम तो कहते आज लग जाएगा, सुबह लगा दो, कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हें ऐसी बात है तो। हाँ सुबह लगा, नहीं मेरे को तो ये था कि तुम आज बोल रहे थे ना कि बन गया, कंप्लीट हो गया ये टेबल है। हाँ कंप्लीट हो गया है, मगर टाइम हो जाएगा गड्ढे भी करने। ये तो बेंच है ना? हाँ बेंच, बैठने वाली। हाँ ये रही वो, ठीक है। ये उसका टॉप है, ये पार्क की साइड से ये पूरी और ही कर ही रहे हैं। अभी कोई और वेंडर आ गया तो मेरे को भी वहाँ पे फिर से जाना है। गोलू बोलू पता नहीं कहाँ है, गन्ना लाए आएंगे तो कहीं कालू निकल के आएगा एकदम। अच्छा क्या पागल पागल हो गया क्या ना आप कुछ? सही लोग काली के बच्चों से भी मिलने आ गए, पहले गोलू भोलू से मिले हम लोग, पहले तो उन्हें ढूंढ के लाना बना पानी की टंकी के पास पहुंच गए थे। ये आ गई मिंटी, सारा गैंग वहीं पहुंचा हुआ था। काली बोरी मिंटी बड़ी दीदी। हाँ ये काली की बेटी है। हाँ। हाँ, हाँ। हमसे तो आपको ही पता होता है, याद भी होता है कि हाँ आपने बताया था। हाँ। ना ये तो फिर मैंने आज ना आज दोपहर में ये पुराली नीचे लगा के और एक ये डाल दिया निवास रहेगी। और वैसे ना ये चीज ना ये देखो ये बहुत निवास वाला है। ये क्या है, ये नारियल का क्या है? हाँ नारियल का, पहले नहीं आते थे कोयर फॉर्म वाले। अच्छा हाँ तो ये वही है। काली को ना देखो, काली को टच नहीं कराना है, लेकिन काली खड़ी रहेगी परमानेंट सामने ही। नहीं इसको ना पसंद ही नहीं है, इसने मेरे से भी अभी टच करवाया जब इसके बच्चे हुए। गोलू उधर पहुंच गया, अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं दीदी पास जाता हूँ। ये ओ सोना नहीं है चिंटू, चिंटू उसको नींद आ रही है, चिंटू सोना नहीं है गधा। चलो लेट जाओ, लेट जाओ। क्या आप मुझे इनसे नफरत करा दोगे? आप इतना वीडियो इनका देखते हो, आ गए आपकी भाभी। किन से नफरत, हमसे? पूरा दिन चलता है ना मेरे, अब मुझे कुछ नहीं देखना, मैं तो टीवी में वो लगाए रखती हूँ, पुराने व्लॉग लगा के देखते रहती हूँ। सही है। इतना देखो ना ताकि हमें भी बर्दाश्त हो। आप हाँ। देखोगे तो ये बात है, पूरा टाइम प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने कई बार लाइव में भी मैंने बोला ना, हाँ। तो मैंने बोला था बिग फैन, तो रोहन ने पूछा भी कि किसके, नाबू की मेरे या फिर हिमशी की? हिमशी की, ये तो फिर मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया आज। हाँ, पूरे दिन का आज मेरा दिन बन गया। आज मेरा दिन बन गया। मेरे घर में तो सबको पता है मेरी सुबह नहीं है, जब तक मैं व्लॉग नहीं लगाऊंगी मेरी सुबह नहीं। बाप रे, आप लोग पहले होके आओ नवाब की दुनिया में, ठीक है? आज पूरे दिन की भसड़ के बाद ये काम तो सबसे अच्छा हुआ है। सबू तो सबू ने भाई मेरा बना के कर दिया केबिन रेडी। आज का इतना बुरा दिन निकला है, इतना बुरा दिन निकला है सबू में। सबू दिन तो सही में बुरा निकला आज, लेकिन बुरे दिन में सबसे अच्छा काम हुआ है ये कि जो ये केबिन निकल के आया ना जुल्लू का, ये घूम घाम के तो दिखा ऐसे सही है, बेहतरीन एकदम। ओ भाई साहब सेक्सी लग रहा लौंडा। रुजा तेरा फोटो खींच, रुजा एक वीडियो में फोटो खींच तेरा। ए, 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 ए वीडियो में फोटो खींचता है। तो गाइज हम लोग अपना सारा काम फिनिश करके, वैसे सारा काम तो नहीं पर हाँ आज हम लोग फिर से टाइम से आ गए हैं फीडिंग के लिए। आ जाओ बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। ओए आ जाओ, आ वाह 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 वाह, ओले 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 पल्टन, ओले पल्टन, ये अरे किसने छोड़ दिए, अरे पल्टन किसने छोड़ दिए, अरे बबोले ये किसने छोड़ दी पल्टन इतनी सारी। और देखो ये भी तो बच्चे कितने प्यार से और कितने आराम से खा रहे हैं। हाँ तो हेयर इज कालू जी, पहचाना कालू को, इसके पिछले वाले पैर जिसने घर में कितना तूफान मचाया था, तो भगवान की कृपा देखो अपने दोनों पैरों पे खड़ा है। हाँ मैं इसको ना अंदर से, ये वहाँ रहता है तो मैं इसको अंदर से यहाँ पे लेके आई हूँ, फिर अब ये छोड़ के आऊंगी अंदर। हाँ थोड़ा मिल ले ना अपने दोस्तों से तो अच्छा लगता है। ये देखो ये पलटन हमारी कितनी अच्छी है,
तो ये देखो भाई टिल्लू अपना मोहल्ला छोड़ के स्कूटी की आवाज सुन के ये इस वाले मोहल्ले में आया। देखना इसको बदतमीज इसको, मतलब ये पागल है यार, ये लड़का कसम से पागल है। देखना इसको साइको लवर, वो मैडम भी मम्मा इसकी। तो गाइज हम लोग खाना खिला के घर आए तो हमने ये क्या देख लिया है। अब मतलब यही दिन देखने बाकी इतना, अब तो पुराली पे सो रहा है। पुछको इसको ना ये सब चीजें ना अच्छी लगती हैं। मैं काली के पास जा रही थी, काली मेरे पास जा रही थी, नहीं लेकिन आपके घर पे ही चलेंगे, नहीं यहाँ नहीं खिलाऊंगी मैं, सब परेशान करेंगे। तो मैं अभी चली हूँ काली को खाना खिलाने, फीडिंग करा दी है बच्चों की, अपने पास वाले बच्चों को भी खिला दिया, बस एक काम बचा है नवाब को इवनिंग नहीं नाइट वॉक कराने का। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज ना विनीता जी आई थी अपनी बेटी के साथ में दिल्ली से, और सबसे बड़ी शॉकिंग बात उनके पास ना एड्रेस था ना फ़ोन नंबर था, उन्हें बस इतना आइडिया था कि जहाँ पे हम रहते हैं एक लोकेलिटी है इस जगह पे, एक चौक के पास में वहाँ पे वो लोग रहते हैं, और वो मेट्रो से उतर के ऑटो से आके मतलब वो सेक्टर में घूम रही हैं, हमारा घर ढूंढ रही हैं। तो उन्हें लकली कालू दिख गया तो उन्हें लगा कि अच्छा हाँ पास ही हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई मतलब हेड्स ऑफ है, बंदा ना एड्रेस है ना फ़ोन नंबर है, और वो देखो ढूंढते आए। और वो भी किस लिए, क्योंकि मैंने स्टोरी पे ये बोल दिया था कि आ जाओ गाइस बेड बनवा दो, वो बेड बनवाने आई थी, लेकिन हम लोग पहले ही बना चुके थे क्योंकि आज मेरा टारगेट था कि आज हमें बेड बनाना ही है। लेकिन थैंक यू सो मच आप आए और इस तरीके से, मतलब कितना प्यार करते हो यार, कितने शिद्दत से देखते हो व्लॉग्स कि लोकेलिटी ढूंढते आप आए। काली को खाना खिलाना उसके बाद में नाबू को वॉकी। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। शिवरात्रि।